तो हम लगातार उनकी दृष्टि में हैं। आजकल सब जगह कैमरा लग गया है, कैमरा लगाना पड़ता है। लेकिन वो जो सबको देखने वाला है वो बाहर से ही नहीं, वो तो भीतर की भी देख लेता है, जान लेता है, अंतर्यामी है। तो एवरी मोमेंट हम उनकी निगाह, उनकी दृष्टि हम पर लगातार है। हम तो थोड़े समय के लिए ही दृष्टि करते हैं उनकी ओर। मंदिर गए, देवाचे दर्शन घेतले, थोड़ी देर दृष्टि रही और फिर हम जगत को देखने में लग जाते हैं। लेकिन वो तो लगातार हमको देखता है। हम आधा घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा उसका भजन करते हैं, पता है क्या, वो 24 घंटा हमारा भजन करता है। भज सेवायाम, हमको सांस लेने के लिए प्राणवायु चाहिए वो उपलब्ध कराता है, हमको जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए वो पानी बनाता है, पहुंचाता है, बरसाता है। सी द बिगेस्ट डिसलिनेशन प्लांट गॉड हैज, समंदर से खारे पानी से मीठा पानी बनाना, बादल तैयार करना सूरज की धूप से, और बादल तैयार करने के बाद वो वाटर ट्रांसपोर्ट करना, पहुंचाना बाय एयर, और फिर डिस्ट्रीब्यूट करना और बरसाना। और डिस्ट्रीब्यूट भी ये इस तरह से नहीं कि भाई इसी के खेत में सारा बादल टूट पड़ा तो उसके बीज भी बह जाएंगे, बेचारे के खेत की मिट्टी भी बह जाएगी और किसान तो बेचारा बिल्कुल निर्धन हो जाएगा। इसलिए नहीं, सबके खेतों में धीरे धीरे बूंदाबांदी होते होते होते, क्या व्यवस्था है। यहां हम लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था देखी टीटीडी वालों की, कितना नीट क्लीन एवरीथिंग, पूरा एकदम सुव्यवस्थित, तो हम बखान करते हैं ना। लेकिन वेंकटेश भगवान की भी व्यवस्था देखो क्या अद्भुत व्यवस्था। तो पानी को वो डिसलिनेशन प्लांट के द्वारा मीठा पानी तैयार करना, बाय एयर पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और फिर बरसाना, तो वो हमको भजता है, वो हमारी सेवा में लगे हुए हैं। पानी, प्रकाश, वायु, धरती, हमको धारण करने के लिए धरती, और वो अन्न भी देती है, पेड़ों के द्वारा फूल फल इत्यादि भी मिलता है, तो वो तो 24 घंटा हमारा भजन करता है। हम घंटा डेढ़ भजन करते हैं, वो 24 घंटा, यू नो व्हाट, हमको लगता है हम बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान के हमारे प्रति प्रेम की तुलना में, कंपैरिजन में, हमारा जो प्रेम है कुछ नहीं है। इसलिए यदि वेंकटेश भगवान से कहो ना आई लव यू, तो वेंकटेश भगवान क्या कहेंगे, आई लव यू मोर, एंड दैट्स ट्रू, सच्ची। हम तो सो जाते हैं और तब भी भगवान वेंकटेश की दृष्टि हम पर रहती है, प्यार से अपनी दृष्टि से सहलाते हैं, टेक रेस्ट, स्वीट ड्रीम्स, हैव ए साउंड स्लीप, टेक रेस्ट। और पता है वेंकटेश भगवान, आज मैं पूछ रहा था कि कितना घंटा ठाकुर जी सोते हैं, बोले मुश्किल से डेढ़ घंटा रात्रि में, मुश्किल से डेढ़ घंटा। क्यों, बोले इतने भक्त लाइन में खड़े हैं तो भगवान कहते हैं मैं कैसे सो सकता हूं, आठ आठ घंटा, बारह बारह घंटा, चौबीस चौबीस घंटा से मेरे दर्शन के लिए यहीं बैठे रहते हैं, यही लाइन में लगे रहते हैं, तो मैं कैसे सो सकता हूं। वेंकटेश प्रभु नहीं आराम करते। तो उनके भजन के सामने हमारा भजन क्या है,